इतना बड़ा कढ़ाई है देख लो इधर, उस टाइम खाना बनता था होगा इसमें, इतना बड़ा तो मेरा शरीर भी नहीं भाई, मेरे जैसे इसमें 10-15 मतलब 50 आ जाएंगे भाई इसमें। एक और इस साइड भी, यहाँ पर भी है वाला मटका है, ये तो बहुत बड़ा मटका है ना, रियल मटका है या सीमेंट वगैरह किसी पत्थर का है? ओ भाई काली मिट्टी का मटका देख लो भाई, इतना बड़ा मतलब आवाज आ रही है इसमें, तो बहुत बड़ा भाई है। अभी अपन जा रहे हैं यहाँ से आमेर किला, और आमेर किला देखते हैं अभी कितनी देर में पहुँचते हैं हम लोग। अभी मैं रोड में हूँ, देख लो भाई, अभी अपन पहुंच गया आमेर किला के बाहर के एरिया में, देख लो यहाँ से कुछ इस तरह का दिखाई देता है ये तो बाहर का, और यहाँ का ये गेट है इतना बड़ा सा, राजकला मंदिर है यहाँ पर लिखा हुआ। देन यहाँ से टिकट तो लेना पड़ेगा, टिकट है 100 का, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ इसलिए मेरे को 100 भी चार्ज करना पड़ेगा। देन उसके बाद बाइक बुक करके देखते हैं। अभी टिकट कहाँ से लेना भैया? ऊपर अभी टिकट काउंटर के वहाँ मिलता हूँ भैया आपको। भाई अभी अपन जा रहे हैं आमेर किला, देख लो यहाँ बगल में दिखाई दे रहा होगा आपको, और मेरे साथ आ रहे हैं अंकल जो भी गाइड हैं, वो गाइडिंग करेंगे, मेरे को गाइड करेगा कहाँ से। तो भाई आप सभी का स्वागत है, यहाँ पे अभी हूँ मैं आमेर किले में, और ये देख लो यहाँ पे आमेर किला इस साइड से बाहर वाली बाउंड्री कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी आपको, और आगे का व्यू कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अभी मैं पार्किंग हूँ, अभी मेरे को मतलब अभी टिकट लेना है, देन उसके बाद अंदर जाना है। अभी देखते हैं भाई, अभी मैं इस बार तो गाइड लेके आया हूँ साथ में, क्योंकि गाइडिंग करने के लिए वो मेरे को बताएगा, मतलब वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है इसलिए उसने बोला मेरे को अलाउ नहीं है मतलब वीडियो में मेरे को दिखाना, इसलिए मैं खुद बना रहा हूँ भाई वीडियो, उसको नहीं दिखा रहा हूँ। अभी चलते भाई टिकट लेते पहले। तो बस यहाँ से ये वाला एंट्री गेट है, देख लो नीचे से यहाँ पर शॉप वगैरह मिल जाएगी आपको, राजस्थानी ट्रेडिशनल जो भी है लगाओगे आप। देख लो यहाँ से स्टार्टिंग है, अभी ऊपर से टिकट लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ से गेट है। नहीं 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 तो भाई ये यहाँ का एरिया देख लो गोल गोल अंदर का, मतलब अभी टिकट लूंगा उसके बाद, यानी उसके बाद अंदर जाऊंगा, और अभी मैं ये वाला कैप खोल दूंगा और यहाँ का कैप लगाऊंगा जो भी राजस्थानी होता, मतलब ट्रेडिशनल यहाँ का वही लगाऊंगा। कैसे लगते हुए इसके अंदर क्या है 100 का? वैसे पूरा खाली कर लगा, आप तो ले लो, मैं बोल दूंगा ट्रेडिशनल या इनके ले जाते तो मैं बता। देख लो ये यहाँ का ट्रेडिशनल मतलब टोपी है, यहाँ पर राजस्थानी में इसको क्या बोलते हैं? टर्बन पगड़ी, टर्बन पगड़ी भाई इसको जो, देखो पगड़ी नाम सुनते होगा आप, वही है देख लो, थोड़ा ये चीप क्वालिटी में बट सही है। अभी देखते हैं अभी कितना हो गया, ₹50 दे दो। अपना ट्रेडिशनल भी हो गया यहाँ, मैंने क्या बोला था गाइड से नुकसान नहीं, आप चिंता ही मत करो कोई बात नहीं, तो बस बस अब 50 भी क्या आता है बताओ। तो भाई अभी अपन ले लिया, अभी यहाँ से एंट्री गेट स्टार्ट है, टिकट कहाँ से भाई? और भैया बोल रहे यहाँ से, यहाँ पे मतलब हॉर्स वगैरह बांधते थे पहले, हाँ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे शॉप वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा आपको अंदर। अभी यहाँ पे बढ़िया है यार, इनका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, मतलब हवा वगैरह। यहाँ से टिकट ले लेता हूँ पहले, तो भाई अभी हमने टिकट वगैरह ले लिया अपन ने, और अभी जा रहे हैं भाई यहाँ से। ये वाला महल राजा मान सिंह का था, और यहाँ पे बोलते हैं घोड़े वगैरह बांधते थे यहाँ पे पहले, बट अभी तो कुछ नहीं, अभी तो मतलब टूरिस्ट पॉइंट बन गया एक। अभी मैंने सब अपने साथ गाइडर लाया भाई, गाइडर मेरे को फुल बताता है। अभी देख लो भाई यहाँ से स्टार्ट, तो अभी रास्ते से ऊपर आ गए हम, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से, और यहाँ से देख लो ऐसे कुछ इस तरह का दिख रहा है पुराने किला, मतलब यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए सही है बिल्कुल, क्योंकि धूप ऊपर से कम पड़ रहा है। यहाँ से एंट्री स्टार्ट है, और यहाँ पे टिकट काउंटर द्वारा चेक होगा।
तो मैंने यहाँ पे टिकट वगैरह चेक करवा लिया। और एंट्रेंस का नाम है गणेश पोल गेट, और इधर के एरिया का नाम गणेश पोल गेट पोल। अच्छा, अदालत दीवाने आम, दीवाने आम, यहाँ राजा का सिंहासन होता था। ओके, यहाँ पब्लिक बैटरी, ठीक है, यहाँ सभा की सुनवाई, मतलब पहले वाले जमाने में होता था ना ये? हाँ, ये तो दरबार है राजा का। ओके, सवाल स्थिति से मुस्लिम लोग बैठे थे, अफ्रेज लोग बैठे थे, एक खास तरीके से बना हुआ है, मार्बल का पूरा काम है, नक्काशी की करी हुई है, बगल में बाबू लोग मुनिम लोग वहाँ बैठे थे, राजा जो भी बात बोलते थे लिखते थे नोटिस, मैं पंडित जैसे खाना पीने का पहले, अभी तो कुछ नहीं होता ना यहाँ पे। अरे फोटो ले लीजिए दरवाजे, तो मैंने यहाँ पे गेट के वहाँ थोड़ा फोटो वगैरह खिंचवा दिया, और इसके अंदर चलते हैं। उसे ये वाली पेंटिंग नेचुरल बोल रहे हैं ना आप, ये वाला मतलब ये वाला कलर पहले कैसे बनता था? तो हाँ, ये उसे ये पालक से बना हुआ है, पालक से ग्रीन वाला, मतलब ये वाला ब्राउन वाला, ब्राउन वाला, ये ब्राउन नहीं, लाल कलर गन्ने के रस से बनता है, गन्ने के रस से, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से बनता है, मतलब पुराने जमाने की तरह ही बनता था ना। तो यहाँ से अंदर जाने के लिए सर, वाह, यहाँ पे एक प्यारा सा गार्डन है भैया, देख लो यहाँ पे काफी प्यारा है, और मैंने लाया अपने साथ गाइड, गाइड मेरे को गाइड करता बराबर, और सबके बारे में इसके बारे में नॉलेज देता मेरे को। और भाई यहाँ पे क्राउड देख लो, कितना क्राउड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्राउड होता भाई इधर। और यहाँ पे एक प्यारा सा गार्डन भी आगे देखा होगा आपने, अभी नहीं देखा होगा, अभी देख आ रहा हूँ मैं। अब कहाँ से जाएंगे भाई अंदर? ये वाला राजा का महल था, देख लो ये वाला जो दिख रहा है, और इसमें थोड़े से शीशे वगैरह लगे हुए अंदर, मिरर वगैरह, देन ये वाले जितने भी कांच है देख लो आपको यहाँ पे चमक रहे हैं। उस टाइम राजा महाराजा ने इसको बेल्जियम से मंगाया था, जैसे बेल्जियम नाम है, जैसे बेल्जियम चॉकलेट है वैसे ही वहीं से मंगवाया था। जैसे यहाँ पे एक कैंडल भी जल जाता था, ये मतलब सारे में चमक जाता था भाई, मतलब जैसे इसके अंदर कोई बैठा होगा वैसे एक कैंडल जरा ऑन कर दे तो पूरा मतलब एकदम लाइट से भर जाता था। देख लो ये वाला सारे में, ये देख लो यहाँ से आगे तक मतलब पूरा कांच कांच लगा इसमें। और यहाँ पे महाराजा लोग उस टाइम सोया करते थे, देख लो काफ़ी प्यारा है, मतलब इसके अंदर जा नहीं सकते वो कभी। देख लोग यहाँ से फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, देख लो। और यहाँ का, और यहाँ के एरिया में उस टाइम में मतलब एक मतलब पानी का लेक जैसा होता था जो कि पीने के लिए होता है इसके नीचे, अभी तो वैसे नहीं है, वो तो बताया कुछ इस तरह का होता है यहाँ पे, तो सब कुछ बता रहा जो भी नॉलेज के लिए है, सही है। मतलब यहाँ पर जो ये गार्डन देख रहे हो आप, ये वाला यहाँ की जो रानी होया करती उस टाइम पे, उसने बनाया था, उन्होंने बनाया था यहाँ पे, बहुत बढ़िया बनाया, अभी तो नहीं है। और यहाँ पे टैंक बनाया था पानी के लिए, जो भी पानी होता था वो कभी भी सूखता नहीं था भाई पीने के लिए, अभी तो नहीं है, हालांकि उस टाइम पे मतलब सूखता नहीं था कभी। उस टाइम यहाँ पे तारे चमकते थे भैया बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब जैसे एक फ्लैश वगैरह जलाते यहाँ पे पूरा मतलब चमक जाता था महल, देख रहे हो अभी, अभी देखते हैं यहाँ पे, चलो भैया दिखाओ कैसा। तो मतलब इसके ऊपर अगर फ्लैश मारते हो तो पूरा चमक जाएगा भाई, मतलब उल्टा रोशनी देगा पीछे को और पूरा कमरे में रोशनी रोशनी हो जाएगा, मतलब कैंडल की तरह काम करता था ये भी, जैसे मतलब पुराने ज़माने में होता है ऐसा, अभी तो ऐसा नहीं है। देख लो जैसे इसके ऊपर फ्लैश मारते तो थोड़ा थोड़ा चमकने लगेगा भाई। तो अभी हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं, अभी छत पे जा रहे हैं यहाँ से, मतलब बहुत सारे डोर है अंदर जाने के लिए, एक यहाँ से देन यहाँ से भी है, एक वहाँ से भी है, और अभी छत पे जाके मिलते हैं आपको, मतलब व्यू दिखाते हैं ऊपर का कैसे किस तरह का है। अभी यहाँ से अंदर चलते हुए, मतलब ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से बहुत सारा है, यहाँ से भी देखो यहाँ से और यहाँ से, मतलब कोई भी रास्ता चूज कर सकते हैं आप जो आपके लिए इजी लगता है। हम कौन से वाले हम चलते हैं यहाँ से। तो अभी भाई हम पहुँच गए ऊपर छत पे किले पे, लेकिन अभी यहाँ से आपको मतलब व्यू दिखाते हैं किस तरह का है, और मेरा गाइडर भी पीछे से आ रहा है। अभी थोड़ी यहाँ पे इतनी गर्मी है, यहाँ से गर्मी बहुत है, तो इसलिए मेरा फ़ोन भी कसम से यार हैंग कर रहा है। यहाँ से इतनी बड़ी दीवार है देख लो, फुल स्टोन की लग रहा है ये वाली, और देख लो यहाँ से, यहाँ से आगे जाना जाना है अभी हमारे को, यहाँ वाला व्यू इन्जॉय करेंगे जैसे यहाँ वाला, यहाँ से और यहाँ से भी
दो दो गेट है यहाँ से, पहले के जमाने में जो महारानी वगैरह होया करती थी, यहाँ से ऊपर से नीचे को देखते थे क्या हो रहा है क्या नहीं। जैसे मूवी में होता है ना, ऊपर से देखा दिखाई देता है जो भी नीचे क्या गड़बड़ हो रहा है, जो बढ़िया नहीं हो रहा है, तो सब कुछ दिखाई देते हैं। वही हम यहीं से इंजॉय करेंगे, देख लो यहाँ से पूरा किला है भाई, इतना बड़ा किला है क्या बताऊँ आपको, देख लो। और यहाँ से पूरा दिखता है भाई नीचे का, देख लो भाई यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है भाई, देख लो ऊपर से, मतलब उस टाइम पे जो महारानी वगैरह होती है यहाँ से, मतलब पूरा देख सकते हैं नीचे क्या हलचल हो रहा है क्यों, उसके लिए तो काफी बढ़िया है भाई। और यहाँ से भी सेम ऐसे दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे थोड़े माउंटेन वगैरह दिखाई दे रहे हैं हाइट पे, और वहाँ से एक बड़ी सी दीवार दिखाई दे रही है देख लो, और नीचे से किले का ऊपर से छत दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया है वो छत। और इस साइड को भी सेम दिखाई दे रहा है, नीचे से रास्ता है इधर उधर जाने के लिए देखने के लिए, और ऊपर से फोर्ट तो ऐसे ब्लैक ब्लैक दिख रहे सब कुछ, मतलब अगर आप यहाँ पे आओगे तो काफी इंजॉय कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको नॉर्मल 1-1.5 घंटा देना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा, तभी आप मतलब सही से इंजॉय कर पाओगे। अभी हम भी इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा देखते हैं अभी, अभी हमारे को बहुत देखने को रह गया है, अभी जो जो हम देख रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। अभी तो अभी मतलब अभी अब अभी कहाँ जा रहे हैं हम, अच्छा मतलब जो रूम वगैरह है इसमें, मतलब 12 रूम बनाए थे राजा ने और अपनी अलग अलग महारानियों को देखने के लिए। जैसे मतलब यहाँ पे जो राजा मान सिंह थे, उन्होंने अपनी बीवियों को सेपरेट सेपरेट रखने के लिए मतलब रूम्स बनाए थे, 12 उनकी 12 बीवियाँ थी, यानी उन्होंने 12 रूम बनाए थे। जैसे मतलब किसी को वहाँ मिलने जाते थे हो तो मतलब सेपरेट सेपरेट गलियों से जाते थे, मतलब रास्ते भी 12 बना। अभी तो भाई ये वाले उस जमाने के मतलब टॉयलेट होते थे देख लो, और देख लो इस तरह के टॉयलेट होते उस जमाने पे, मतलब उस टाइम पे जेंट्स वगैरह अलाउड तो नहीं होते, अभी भी तो कहाँ होते वो तो आप समझ सकते हो। और उसके अभी इसके अंदर चलते हैं हम, जो कि राजा के 12 बीवियों के 12 कमरे थे, अभी उनको एक्सप्लोर करेंगे कहाँ से है। तो यहाँ से रास्ते बहुत डेंजर डेंजर है भैया, यहाँ से नीचे जाएंगे अभी। हाँ हम बाहर वाले एरिया में आ गए नीचे थोड़े, इससे यहाँ पे धूप वगैरह बढ़िया आ रही है, मतलब गर्मी वगैरह है यहाँ पर थोड़ा बहुत, जब आप इसके अंदर होते हैं तो गर्मी नहीं होगा अंदर। अभी चलते हैं यहाँ पे, देख लो यहाँ पे क्या है मालूम नहीं इनको। ये कौन से हमाम, अच्छा हमाम भाई, देख लो ये वाला उस टाइम का हमाम है, जैसे इस टाइम का हमाम होता था पानी गर्म करने के लिए, उस टाइम का मतलब पुराने जमाने का था, उस टाइम नहाने के लिए रानी इससे नहाते थे, और ये वाला एक रानी का कमरा होया करता था, और राजा यहाँ से मिलने आया करता सेपरेट सेपरेट, क्योंकि दूसरी वाली महारानी को मालूम ना पड़े। अभी दूसरा वाला रूम दिखाते हैं आपको, अभी चलते हैं। ये वाला दूसरा वाला वाइफ का था, मतलब रूम जो भी जो राजा यहाँ से मालूम, पता नहीं अंदर से कोई रास्ता होगा आने का दूसरी वाली बीवी का वहाँ, और देन तीसरा वाला इस साइड को है भैया, इस साइड को तीसरी वाली बीवी का रूम था, और वहाँ से भी राजा मिलने आते थे। मतलब पहले के ज़माने में बहुत बीवी होती भाई राजा महाराजा के, देख लो यहाँ से दरवाजा है तीसरी वाली बीवी आने का वहाँ, और इस साइड का एरिया बताते हैं भैया। तो भैया 3 रूम यहाँ पे देख लो महारानी को, एक यहाँ पे है देन एक वहाँ पे एक वहाँ पे है, यहाँ से भी मतलब 6 हो गए टोटल, 3 वहाँ पे दिखा दिए, 3 यहाँ पे दिखा दिए, और देन 3 वहाँ पे लगे हुए यहाँ यहाँ पे, और 3 यहाँ पे ऊपर से है, और यहाँ पे जो एरिया दिखाई दे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे इनकी मीटिंग होया करती थी उस जमाने पे, मतलब जैसे अभी कोई मीटिंग होती है जैसे बुला के इकट्ठा, उनकी यहाँ पे मीटिंग होया करती थी उस टाइम पे, मतलब क्या जो भी मीटिंग करनी होती थी यहाँ पे बैठ के मीटिंग करते थे, देख लो कितना बढ़िया है भाई, मतलब उस टाइम पे इस तरह की मीटिंग होती थी भाई बैठ के, जैसे मतलब फिल्मों में देखने को तो मिलता है हमारे को, जैसे पुराने जमाने वाली फिल्म देखोगे तो मिलेगा आपको, जिसके ऊपर की देखो गैलरी है देखने के लिए कि क्या हो रहा है नीचे क्या नहीं हो रहा है, मतलब ऊपर से जो सैनिक वगैरह रहते थे वो देखते रहते थे क्या गड़बड़ है नीचे क्या नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, और सब कुछ पर नज़र रखते थे उस टाइम पर, मतलब ऊपर से किले में देख सकते हो, यहाँ पर देख लो इतने बड़े बड़े छेद दिखाई दे रहे हो आपको, मतलब उस टाइम पर मतलब काफ़ी सख्त होती थी सरकार, हो सकता है ऐसा क्योंकि राजा का कानून चलता था उस टाइम पर। अभी देखते हैं यहाँ से बहुत सारे रूम हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, अभी मोबाइल भी बहुत गर्म हो गया भाई मेरे को, तो भाई असल नहीं देखो
मेरे को ऐसा लगता है मजे तो उस टाइम में थे जैसे राजा की 10-12 बीवी होया करती थी, मतलब बच्चे तो कम से कम 30-40 बच्चे, वैसे तो 19-20 बच्चे थे उसके। अभी तो भाई देख लो एक बीवी हो गए, एक दो बच्चे, मतलब वो भी नहीं संभाला जा रहा है। अभी यहाँ से चलते हैं बाहर, तो बाहर वाला थोड़ा सा एरिया रह गया दिखाने को आपको, उसको भी दिखाते हैं। अभी कौन से एरिया में जाएंगे? यहाँ पे आप फोटो वगैरह खिंचवा सकते हो, और यहाँ पे क्या बड़ा एरिया है, नाश्ता वगैरह खाना पीना जो भी ड्रिंक कर सकते हो आप। अभी हम थोड़े नीचे आ गए मतलब बाहर वाले एरिया में, अभी देखते हैं यहाँ से कैसा व्यू है। यहाँ पे शॉप वगैरह लगाई है देखो, थोड़ी छोटी छोटी। इसके अंदर तो शॉप वगैरह भी बनाई हुआ है ना, इसका तो रेंट देते होगा ना अभी। देख लो यहाँ पे शॉप वगैरह भी है इसके अंदर अभी बनाई हुई, इसका भी और मैगजीन वगैरह रखी हुई है इधर। देख रहा हूँ, देख रहा, देख लो अभी तो बंद है ना, कितना पुराना है अभी। अभी हम नीचे वाले एरिया में आ गए भाई, अभी दूसरे वाले एरिया में जाएंगे। अभी हम ऊपर से भी नीचे आ गए, देख लो भाई इतना बड़ा कढ़ाई है, देख लो इधर उस टाइम खाना बनता था होगा इसमें, इतना बड़ा तो मेरा शरीर भी नहीं भाई, मेरे जैसे इसमें 10-15 मतलब 50 आ जाएंगे भाई इसमें। एक और इस साइड भी, यहाँ पर भी है शायद, उस टाइम इसमें खाना बनाया करते थे मेरे को लगता है, वैसे उसमें क्या ही कर सकते, वैसे खाना ही तो बना सकते, किसी को रोस्ट थोड़ा करना इसमें। और यहाँ पर भी क्राउड बहुत है देख लो, और यहाँ से देख लो ऊपर का, हम पहले इसके ऊपर थे यहाँ से, और वहाँ पे भी सेम ही है, वहाँ पे देख लो वहाँ से राजा रानी वगैरह नीचे नजर रखते थे क्या हो रहा क्या नहीं, और यहाँ से भी सेम है ऐसे, ये नीचे दिखाई देता बराबर। अभी चलते आगे, मटका पानी देख लो भाई, ये वाला मटका है, ये तो बहुत बड़ा मटका है ना, रियल मटका है या सीमेंट वगैरह किसी पत्थर का है? ओ भाई काली मिट्टी का मटका देख लो भाई, इतना बड़ा मतलब आवाज आ रही है इसमें, बहुत बड़ा भाई है। उस जमाने में कैसे बनाते इतनी बड़ी बड़ी चीजें भाई, अभी तो कुछ भी नहीं बनता है। तो यहाँ से अभी बंद है मीना बाजार, अभी ये वाला नीचे दिखाते हैं आपको मीना बाजार, मतलब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पुरानी आइटम थी कैसे बनती, जैसे कलर कैसे बनता है उस टाइम पे, किस तरह से बनता था, मतलब वेजिटेबल का कलर जैसे निकालते थे वो और उसमें पेंटिंग करते थे, उस टाइम कलर नहीं होता रेडीमेड, मतलब खुद से बनाया जाता था, वो बताएंगे कैसे बनता है कैसे नहीं बनता था। अभी देख लो यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर लगी हुई छोटी सी, यहाँ पर भी एक संदूक है छोटा सा बक्सा। तो भैया पहले हम यहाँ से अंदर आए थे, मतलब अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ से बाहर अभी हम पुराने बाजार में जाएंगे, मतलब जो पुरानी चीज़ों के लिए फेमस, जैसे पुरानी चीज़ें वहाँ पर बनती है, पुराने जमाने के जो भी आइटम है जो भी बनता है वहाँ पे वो सब वहाँ पे मिलेगा। अभी देख लो ये गेट है उस टाइम का, इसको त्रिकोणीय गेट बोलते हैं भैया, बोल रहे हैं ऐसा, बहुत बड़ा गेट है और इतनी बड़ी इमारत है, देख लो यहाँ से ऊपर टोपी गिर जाएगी नीचे अगर आप देखोगे तो। जो भी ये किले के बाहर लगाए गए ये वाले, इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है किले के बाहर लगाया, ऐसे रावणता रावणता बोलते हैं जो भाई, ये वाले यहाँ पे लगाए यहाँ पे कवर के लिए, मतलब पूरा दीवार बना दिए, इसको बोलते हैं रावणता, उस टाइम पर रावणता बोलते हैं, अभी तो कुछ भी पता नहीं क्या ही बोलते हैं। अभी यहाँ पे तो पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह आती है, इससे ऊपर से पूरा दिखता है नीचे। पुराना महल है राजा का, तो ये वाला राजा का पुराना महल रहता है, यहाँ पे कोई रानी भी तो रहती होनी थी, अच्छा जोधा भाई, जो भी रानी भाई आप मूवी में देखते हो उनका जन्म यही भाई इस महल पे हुआ था, और एक वहाँ पे भी, इसमें भी है कोई वो खास लोगों की हवेली है राजा की, खास मतलब जैसे मंत्री वगैरह हो गए,
बड़े लेवल के उनके लिए था। और अभी तो ये बगल वाले छोटे छोटे घर तो भी बना दिए, नए मकान बना दिए, मतलब ये बॉन्ड